हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन मैं सुनिधि सिन्हा और आप सभी का अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बताइए करें क्लास या एक दो मिनट वेट कर लें सबको ज्वाइन होने देते हैं गुड मॉर्निंग तारा एक दो मिनट देख लेते हैं गुड मॉर्निंग सुमन गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग रानू गुड मॉर्निंग रोहित गुड मॉर्निंग श्रुति गुड मॉर्निंग शुभम चलिए बहुत लोग आ गए हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे आईपीसी है, है ना पेन तो आज हम लोग आईपीसी स्टार्ट करने वाले थे आईपीसी की सीरीज स्टार्ट करने वाले थे देखिये मेरा ये मानना है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करें उससे पहले हमें उसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए जैसे हम कहते हैं ना किसी भी इंसान को भी कोई भी दोस्ती करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए उसका पिछला क्या था आगे क्या था ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट को भी अच्छे से जानने के लिए उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है है ना तो आज हम लोग गुड मॉर्निंग सरिता आज हम लोग पहले तो देखेंगे आई की हिस्ट्री क्या थी कहाँ से वो आया एग्जिस्टेंस में 1862 में सबसे हमारे लागू हुआ है कहाँ से आया क्या था उसका सब कुछ समझेंगे थैंक यू चलो शुरू करें सबसे पहले इंडियन पिनल कोड क्या है तो बेसिकली इंडियन पिनल कोड एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया है यूनिफॉर्म लॉ को लेकर के जहाँ पे वो किसके बारे में आ, डील करता है फॉर्मुलेट करता है जितने भी वेरियस क्राइम्स है, है ना वेरियस जितने भी क्राइम्स हैं जितने भी वेरियस नेचर के क्राइम्स है और जितना भी ब्रीच ऑफ लॉ होता है उन सबको एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करा यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आता है सारे ही रिलीजन के लिए ठीक है तो आईपीसी का मेन मतलब ये आईपीसी को बनाने के पीछे का मकसद यही था कि एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आना इंडिया में हर रिलीजन के लिए है ना फिर बात करते हैं कब वो ओरिजिनेट हुआ हाउ एंड वेन आई पी सी ओरिजिनेटेड तो इसका जो आईपीसी का रूट है वो हमें ब्रिटिश के टाइम से देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम से वहां से आईपीसी के बारे में जो इसका फॉर्मुलेशन है वो ओरिजिनेशन देखा गया था अब इसका यूज़ क्या है इसका यूज़ है जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया में चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो क्रिश्चन हो जितने भी लोग हैं जितने भी सिटीज़न है इंडिया में जितने भी रिलीजन है उन सबको एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड कराना इन कंटेक्सट ऑफ वैन इट कम्स टू द क्राइम इन द सोसाइटी

कभी किसी जो अमीर है या गरीब है बड़ी पार्शालिटी होती थी व्हेन व्हेन इट वें इट कम्स कम्स टू टू जजमेंट और द पनिशमेंट तो आईपीसी का पर्पस ये था कि लेके आना जितने भी सेक्ट के लोग हैं चाहे वो अमीर हो गरीब हो सेक्शन हो जैसा भी हो उन सब के बीच में एक क्या लेके आना इक्वालिटी लेकर के आना ठीक है अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या थी आईपीसी की सो आईपीसी इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सिस्टम टू बी ऑपरेटेड इन प्रॉपर वे आईपीसी पी को एक ऐसा रेगुलेशन सिस्टम बनाया गया था Ja, hin, Sona. ताकि जो हमारा सिस्टम है ठीक है लॉ से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो जो सिस्टम है वो एक प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सके है ना अब मेन क्या था किस चीज़ से डील करता था आईपीसी जितने भी हमारे ऑफेंसेस होते थे उनसे डील करता था चाहे वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस हो चाहे वो पब्लिक के अगेंस्ट ऑफेंस हो चाहे वो आर्म फोर्स के अगेंस्ट ऑफेंस हो चाहे वो किसी रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंस हो या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहे वो मैरिज के अगेंस्ट ऑफेंस हो तो इन सबको ये एक रेगुलेशन फॉर्म में लेकर के आता था और इनके जो भी जिन, जो भी मतलब क्राइम इनके अगेंस्ट होते थे उनको एक पनिशमेंट प्रॉपर वे में प्रिस्क्राइब कराता था ठीक है अब आगे चलते हैं अब देखिए हिस्ट्री में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं आईपीसी की तो वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है पहला एंशिएंट हिंदू हिंदू क्रिमिनल लॉ दूसरा मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ और तीस, तीसरा इंग्लिश क्रिमिनल लॉ अब जब हम एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो वहां पे क्या बोला गया था कि जो राजा है जो राजा बोलेगा वही नियम होगा ये तो गलत बात है है ना ये कोई यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है ना कि राजा जो बोलेगा वही सही होगा उनका ये था कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द किंग विल ऑफ द किंग जो राजा की मर्जी है वही लॉ होगा लेकिन वहां पे कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं था और क्या होता था उस टाइम पे पनिशमेंट नहीं मिलते थे अब जो जो राजा के जो बहुत क्लोज वन है है ठीक अगर उन्होंने कोई गलत चीज करी तो शायद उनको पनिशमेंट ना दी जाए जो गरीब है उनको ज्यादा हीनियस पनिशमेंट दे दी जाए जो अमीर है उनको कम दे दी जाए मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी थी सब कुछ राजा की मर्जी पे डिपेंड करता था ठीक है अब सब उस टाइम पे क्या होता था सब लोग एक्ट करते थे किसके अकॉर्डिंग टू द धर्मा धर्मा इन द सेंस जैसे हम लोगों ने जब हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ा था तो हमने बोलता है कि वो एक्ट तो सब बाद में आया उससे पहले क्या प्रिवेल करता था जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ हिंदू लॉ की क्लास में उनको सबको पता होगा कि उस समय मैंने बताया था कि धर्म प्रिवेल करता था जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है वो सही है अगर किसी ने गलत किया तो उसको पाप बोल देते थे कि नहीं इसने अधर्म किया पाप किया तो उस टाइम पे यही था कि सब लोग धर्म के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे थे अगर किसी ने गलत किया तो उसे पाप बोल दिया जाता था राजा का राज चलता था अगर राजा चाहे तो वो सजा दे सकता है नहीं चाहे तो कम दे सकता है ज्यादा दे सकता है वो उस सारा उसकी मर्जी पे डिपेंड करता था जो कि गलत था अब बात करते हैं आगे फिर क्या हुआ पंचायत समिति एक्सिस्ट हुई अब पंचायत समिति को लेटर वैदिक पीरियड में एक लार्ज स्केल पे बनाने के लिए जो राजा का राज था उसको बड़ा किया गया किंग्स प्रीवियसी काउंसिल को बड़ा किया गया उसको एक नैरो बॉडी बनाया गया अब जब हम हिंदू लॉ को हिस्टोरिकल टर्म से रिफर करते हैं तो ये जो कोड है जो कोड है वो अप्लाई होता है किसको जितने हिंदू हैं हिंदू को बुद्धिस्ट को जैन को सिख को और जितने भी मतलब ब्रिटिश इंडिया में जितने भी हिंदू बुद्धिस्ट जैन जे, जैन सिख रह रहते इन सब को ये अप्लाई होता है अब बात करते हैं एंशिएंट इंडिया देखिए थाउजेंड बी से लेकर के थाउजेंड एडी तक ये जो आ, एंशंट टाइम uh, uh, है आईपीसी का वो प्रिवेल किया था और इस टाइम को हम लोग क्या बोलते थे हिंदू पीरियड बोलते थे क्योंकि इस टाइम पे जो हिंदू थे वो ज्यादा डोमिनेंट थे ठीक है तो सारे जितने भी हिंदू थे इस टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदुइज्म प्रिवेल करता था और वो डोमिनेंट था क्या हिंदू लोग डोमिनेंट था ठीक है अब जब हम बात करते हैं ऋग्वेदा की तो जो किंग को ऋग्वेदा में उसे क्या बोला गया है गोप जनस्य ऐसा बोला गया है कि वो प्रोटेक्टर है लोगों का प्रोटेक्टर था कौन राजा अब ये इम्प्लाई होता है कि राजा का जो काम था वो क्या था मेंटेन करना एक लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में हम लोग जैसे पुरानी मूवीज भी देखते हैं या पुरानी चीजें देखते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि राजा का राज होता है वो मतलब अगर किसी ने गलत किया तो अपने हिसाब से पनिशमेंट देता है वो देखता है एश्योर करता है कि चीजें अपनी अपनी तरफ से सही तरीके से चल रही हूँ तो वही चीज थी और धर्म सूत्रा के सूत्रास के अकॉर्डिंग भी ये ड्यूटी थी ड्यूटी थी किसकी राजा की इंश्योर करना कि सिक्योरिटी और वेलफेयर सबसे पैरामाउंट कंसिडरेशन हो किसका उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी था कि वो सिक्योरिटी और वेलफेयर देखे किसका लोगों का जो उसके राज्य के लोग हैं है ना ये था एंशंट टाइम का अब जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ ड्यूरिंग मोहम्डन तो देखो वहां पे ये काजी की ड्यूटी थी काजी की ड्यूटी ड्यूटी थी टू एंश्योर करना रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ जो भी था और उनका ना दो ही मेन पर्पज था एक था क्राइम अगेंस्ट गॉड और दूसरा था क्राइम अगेंस्ट, अगेंस्ट मैन और मुस्लिम मोहम्मदन के अंदर जो आ, ये जो सेकंड सेकेंड पीरियड था उसमें जो अगेंस्ट गॉड था ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था कंपैरेटिवली व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट मैन ठीक है और 1206 तक 1206 तक कोई भी कोई भी ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था जहां पे यह पता लगे कि इससे पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो प्रिवेल होता था 1206 तक ऐसा कुछ भी नहीं एविडेंस uh, मिला था ठीक है और फिर क्या हुआ जो मुस्लिम है उन्होंने uh, जो है क्या कहते हैं इन्वेट किया इंडिया में ठीक है काफी टाइम तक उन लोगों ने रूल किया इस टाइम पे स्लेब डायनेस्टी थी 1206 से लेके 1290 तक फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से लेके 1321 तक फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई 1321 से लेके 1413 तक फिर उसके बाद लोडी डायनेस्टी आई 1451 से लेके 1526 तक और वही फिर उसके बाद सुर डायनेस्टी आई अब इन सारी डायनेस्टी के बाद क्या हुआ इन सारी इन सारी डायनेस्टी के बाद फिर एक बदला बड़ा बदलाव आया और क्या हुआ शरीयत कोर्ट को लाया गया ठीक है शरीयत कोर्ट को लाया गया और उसको असिस्ट कौन करता था मुफ्ती असिस्ट करते थे ठीक है उसमें क्या हुआ लेकिन जो शरीयत कोर्ट लेकर के आया इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही डील करते थे जो क्राइम मतलब जो उनके रिलीजन में क्राइम होते थे या जो उनसे उनके रिलीजन रिलीजन पर्सनल से रिलेटेड चीजें होती थी वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डील करते थे अपने शरीयत कोर्ट में यानी कि ऑल जो दूसरे रिलीजन है उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और उनको देखते भी नहीं थे ठीक है आगे चलते हैं अब बात करते हैं इंग्लिश क्रिमिनल लॉ की जो थर्ड हमारा पार्ट था देखिए जब ये सब हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म लॉ नहीं है इंडिया में है ना सब अपने अपने पर्सनल लॉ चला रहे हैं हिंदू अपने चला रहे हैं मुस्लिम अपने चला रहे हैं अब जो इन रिलीजन के नहीं हैं चाहे वो क्रिश्चियन हो गया या और भी अदर रिलीजन आते हैं जो कि ना हिंदू में आते हैं ना मुस्लिम में आते हैं उनके लिए तो कोई लॉ ही नहीं है भाई राज का राज राजा का राज चल रहा है शरीय भी कोर्ट बना जो भी था सबको अपना अपना देख रहा है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने लॉ और, और रेगुलेशंस लेकर आए यानी कि लॉ और रेगुलेशंस बनाए यूनिफॉर्म स्टेज पे ठीक है अब बाय द लेट 1820 मोस्ट ऑफ दबस्टैंडिव रूल्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ रेगुलेशंस 1820 तक हम लोगों ने काफी सारे जो मुस्लिम क्रिमिनल क्रिमिनल जो भी लॉ प्रिवेल करता है क्रिमिनल लॉ उसे हम लोगों ने सप्रेस होते हुए देखा यानी होते हुए किसके साथ रेगुलेशन के साथ रेगुलेशन यानी कि लॉ के साथ लॉ बनना स्टार्ट हो गया था रेगुलेशन प्रिवेल करना स्टार्ट हो गए थे 1820 तक हम लोगों ने देखने लगे थे अब देखिए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो इन बंगाल वॉज प्राइमली बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो भी क्रिमिनल जस्टिस था सिस्टम था वो टोटली इस्लामिक क्रिमिनल लॉ पे बेस था एंड टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी इट वाज़ एडमिनिस्टर्ड फाइनेंस्ड एंड एनफोर्स बाय द नवाब्स तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो किसके द्वारा चलता था नवाब्स के द्वारा चलता था और हम लोगों ने क्या क्या देखने को देखा था कि वो एडमिनिस्टर करते थे फाइनेंस्ड फाइनेंस करते थे और एनफोर्स करते थे और एटीन सेंचुरी तक हम लोगों ने देखा था इस्लामिक क्रिमिनल लॉ प्रवेल कर रहा था और नवाब्स जो नवाब्स थे वो इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखते थे आगे चलते हैं अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या शुरू कर दिया लगान लेना शुरू कर दिया ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन कलेक्टिंग द रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल फ्रॉम 1765 The company began promulgating regulations from administering the revenue and related judicial issues soon after the acquisition of the Diwani rights in that year. उन लोगों ने अब क्या किया लगान लेना शुरू किया लगान से लगान मूवी याद आई उसमें भी एक डायलॉग था ना जब आमिर खान सामने खड़ा होता है और जो ब्रिटिशर्स सामने खड़े थे तो बोलते हैं ना लगान को डबल किया जाए या माफ़ किया जाए तो वहीं से वो लगान लेना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पहले क्या होता था जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जो लगान देती थी वो पहले तो क्या करती थी अपने लोगों को ठीक है पहले नहीं सॉरी पहले क्या होता था जो नवाब्स होते थे वो लगान लेते थे ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को ना खुद ही लगान के लिए क्रिकेट भी खेला था हाँ करेक्ट क्रिकेट भी खेला था तो जो मतलब नवाब थे पहले वो लगान कर कलेक्ट करते थे ठीक है लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ़ पे। लेकिन भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब जब अगर हम नवाब को हटा देंगे और हम खुद रेवेन्यू कलेक्ट करने लगेंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके बाद तो उन्होंने क्या किया नवाब को भी हटा दिया और वो खुद रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गए अब देखिए 1700 से 1850 के बीच में देखे हिंदू लॉ रिलीजन बेस्ड लॉ था मुस्लिम लॉ रिलीजन बेस्ड लॉ था यानी ये दोनों पर्सनल लॉ थे जो कि प्रिवेल करते थे ठीक है अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी वो अपना प्रॉफिट देखने लगी है ना वो आगे वो बाद में अपना प्रॉफिट देखने लगी तो अब क्या हुआ कंट्री को एक यूनिफॉर्म बेस्ड लॉ की जरूरत पड़ी जो यूनिफॉर्मली वर्क कर सके ठीक है अब हम एक ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे आईपीसी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले तो देखिए 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत को एक्वायर्ड किया जहां पे तीन प्रोविजन्स थे। प्रोविजन्स बिहार एंड उड़ीसा फिर 1772 में वॉरन हेस्टिंग ने एक जुडिशल प्लान को प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम उन्होंने जुडिशल प्लान को प्रिपेयर किया फिर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पास हुआ विच परमिटेड इट्स इंडियन पोजिशन बट द मैनेजमेंट ऑज अंडर दार्शल कंट्रोल ऑफ द क्राउन इसमें इन्होंने क्या किया रेगुलेशन एक्ट ने कि जो भी इंडिया को मतलब कैसे डील करना है जो कि सब कैसे उसको चलाना है वो सब कुछ किसको दिया आ, ये परमिट किया था कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कुछ हद तक कुछ हद तक इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर में रहेगी और वो जो क्राउन है वही उसको इंडिया को मैनेज करेगा फिर 1774 में चार्टर एक्ट को पास किया गया और चार्टर एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट था जो सुप्रीम कोर्ट था उसको फोर्ट विलियम में आ, बनाया गया ठीक है जो कि बहुत दूर था लेकिन इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट था वहां तक जाना अपनी किसी भी आ, केस के लिए या कुछ भी लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए फोर्ट विलियम में जो पहला सुप्रीम कोर्ट जुडिकेट किया था वो आ, 1774 में आ, फोर्ट विलियम में किया था अपने फायदे के लिए अब आगे चलते हैं आ, 1787 में ज्यूडिशियल प्लान जो था लॉर्ड कॉर्नवॉलिस का उसमें यही था कि इंग्लिश मैन अब उन्होंने एक नया रूल बना दिया था कि भाई इसके साथ साथ हम रिवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और जो भी मैटर्स होंगे इससे रिलेटेड ठीक है इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हुआ करेंगे रिवेन्यू से रिलेटेड वो सारा कौन देखेगा जो इंग्लिश मैन है वो जो अपॉइंट किया गया था वही सारे मैटर्स को देखा जाएगा ठीक है और फिर वही चीज़ 1719 में 90 में कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद क्रिमिनल लॉ को एंड ऑल निजामत अदालत वर इंस्ट्रक्टेड टू डिसाइड केस अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड रूल्स ऑफ डिसम्डन लॉ मतलब 1970 नाइनटी में, में कौन वॉलिस ने कहा कि जितना भी क्रिमिनल लॉ चल रहा है ना इस्लामिक बेस्ट पे उन सबको हटा करके जो मॉडर्न मोहम्मदन लॉ है यानी कि मॉडर्न मोहम्मदन लॉ कौन सा था रेगुलेशन एक्ट जो कि रेगुलेशन एक्ट ने सब्सिट्यूट किया था अब वो प्रिवेल करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही सारे केसेस देखे जाएंगे और सारे डिसीजन लिए जाएंगे अब अट्ठारह में 1800 में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था कहा मद्रास में इन प्लेस ऑफ द कोर्ट कहा था फोर्ट विलियम में था ना फोर्ट विलियम से हटा करके उन्होंने 1800 में सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया कहाँ पे मद्रास में किसके लिए कर रहे थे फिर लोगों के लिए करना स्टार्ट किया कि उनको मतलब सहूलियत मिल जाए है ना आगे चलते हैं अब देखिए 1807 में लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया एक इंडियन जुडिशरी नंबर मतलब जजेस के जो नंबर थे उसको इंक्रीज किया ठीक है और जुडिशियल फंक्शन को मिक्स किया किसके साथ एग्जीक्यूटिव पावर के साथ ऑफ मैजिस्ट्रेट ठीक है और, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था ताकि वो चीफ जज को अपॉइंट कर सके ठीक है अब 1823 में उन्होंने क्या किया क्राउन चार्टर यानी सुप्रीम कोर्ट को बॉम्बे में स्टैब्लिश कर दिया ठीक है पहले फोर्ट विलियम में था फिर वहां से मद्रास शिफ्ट किया फिर उसके बाद उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया क्यों किया ताकि लोगों को और सहूलियत मिल जाए ठीक है ये सारा कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया फिर 1833 में चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीब्लिश किया एंड ऑल इंडिया एंड वाइट पावर टू कमीशन फॉर इंडिया विच वॉज टू बी प्रोसाइडेड बाय लॉ में 1833 में एक एक्ट पास हुआ और एक्ट ने किया किसको फर्स्ट लॉ कमीशन को और जिसको प्रिसाइड किया गया किसके द्वारा लॉ मेंबर्स के द्वारा लॉ मेंबर्स अपॉइंट किए गए लॉ मेंबर्स के द्वारा जो ये कमीशन है फर्स्ट लॉ कमीशन उसको प्रिसाइड किया गया अब ये जो एलिमेंट्स थे इसके वो डिराइव कहाँ से किए गए थे नेपोलियनिक कोड और लुसाना सिविल कोड से कब एटीन में जब हम 1834 को देखते हैं तो उस टाइम पे जो पहला लॉ कमीशन था वो स्टैब्लिश हो गया था ब्रिटिश इंडिया में ठीक है फिर 1837 में पहला ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कमीशन ने समिट किया था और जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ था ठीक है पहला ड्राफ्ट कब सबमिट किया था लॉ कमीशन ने एटीन में अब कमीशन सेटअप हुई थी किसके लिए रिव्यू करने के लिए रिव्यू क्या ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी आईपीसी का जो ड्राफ्ट था, था उसको रिव्यू करने के लिए कमीशन को सेटअप किया गया था और फाइनल रिपोर्ट फिर फाइनल ड्राफ्ट हुआ सारा कुछ स्क्रूटिनाइज करने के बाद सब कुछ देखने के बाद क्या था क्या नहीं क्या हटाना है उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ कब एटीन में लेकिन वो फाइनल ड्राफ्ट भी अप्रूव नहीं हुआ था फिर अब देखिए जब रिवॉल्ट हुआ 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो जो ड्राफ्ट था वो किसको हैंडओवर किया गया सर बार्नेस पीकक को हैंडल किया गया जो कि एक इंग्लिश जज थे और उसके बाद उन्होंने उस पे वर्क किया फिर 1860 में लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया कब 6 अक्टूबर 1860 को वो जो ड्राफ्ट था जो इन्होंने सर ने वर्क किया था उस पे उसको पास किया लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्सिडेट को

हाँ तो इनको एज अ फादर ऑफ आईपीसी भी बोला जाता है इसीलिए आईपीसी को मैकेले कोड भी बोला जाता है क्योंकि जितना भी वेरियस ड्राफ्टिंग का वर्क था आईपीसी में वो मेनली मेनली लॉर्ड मैकेले ने ही देखा था और इसीलिए इसको फादर ऑफ आईपीसी भी बोला जाता है इनको और साथ ही साथ आईपीसी को मैकेले कोड भी बोला जाता है ठीक है अब आगे चलते हैं देखो इंडियन पेनल कोड 1860 एक तरीके से क्या एक रोल मॉडल है मॉडल है किसका सर्टेनिटी का एक सर्टेनिटी का क्योंकि 160 साल हो गए हैं 160 साल हो गए हैं उसके बाद भी यहां पे ज्यादा अमेंडमेंट सबसे कम अमेंडमेंट अगर किसी में हुआ है तो वो गुड मॉर्निंग शिप्रा सबसे कम अमेंडमेंट अगर किसी में हुआ है तो वो आईपीसी में हुआ है 160 साल के दौरान में और इन हुआ था 6th अक्टूबर 1860 फोर्स में आया था फर्स्ट जनवरी 1862 को फाउंडिंग फादर ऑफ आईपीसी लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले इन्हीं को फाउंडिंग फादर भी बोला जाता है ठीक है हाँ तो बेसिकली देखिए कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक आया गुड मॉर्निंग मयूरी हमारा देश कहाँ गए कहाँ गए ये लोग आ, खा तो गए हाँ तो गए पर कुछ अच्छा भी सोचा था जिसकी वजह से देखो आज कितनी चीजें हैं भी पर ठीक है तो हमने देखा इनैक्ट हुआ आईपीसी कब सी सिक्स अक्टूबर एटीन सिक्सटी को जो हम लोग को सिर्फ ईयर याद रहता है एटीन सिक्सटी ठीक है गुड मॉर्निंग प्रदीप प्रदीप जी ठीक है और फोर्स में आया फर्स्ट जनवरी एटीन सिक्सटी टू को फाउंडिंग फादर इसके लॉर्ड थॉमस थाम, बेबिंगटन मैक्यूले सर जी थे तो ये थी पूरी हिस्ट्री किसकी आईपीसी की अब हम लोग कल की क्लास में प्रॉपर शुरू करेंगे ठीक है बस ये था कि बेसिक आप को समझना जरूरी था कि आईपीसी का पास्ट क्या था ठीक है तो इससे क्या होगा ना आगे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा आईपीसी बनाकर बहुत अच्छा कर गए करेक्ट कर गए अच्छा कर गए एक यूनिफॉर्म लॉ दे दिया उन्होंने ठीक है चलिए तो आई होप मुझ आई होप आप लोग को ये क्लास ये जो सेशन था वो अच्छा लगा होगा और थैंक्स मैम फॉर टू डेज वैल्यूबल सेशन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई सेशन पेशेंटली और इट मीन्स अलॉट चलिए आज शाम को मिलते हैं फोर फिफ्टीन अपनी रेगुलर क्लास के साथ और कल से हमारी रेगुलर क्लास आई पी सी की भी स्टार्ट होगी ठीक है और uh, सब टाइम पे आ जाइएगा चलिए मिलते हैं तब तक के लिए बाय